देहरादून से लखनऊ के लिए नई वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की गई है। पीएम मोदी के संशोधन के बाद ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। वंदे भारत ट्रेन को ट्रेन यार्ड में फूलों से सजाया गया है, जिसमें राज्यपाल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रमुख सचिव राधा रतूड़ी सहित मंत्री, सांसद, विधायक मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीसी के माध्यम से रेलवे से जुड़ी कई परियोजनाओं की शुरुआत की। इस बार इस कार्यक्रम में एक स्टेशन एक उत्पाद कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई। रेलवे ने देहरादून रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 से इस ट्रेन को पहली बार रवाना किया। प्रधानमंत्री के संबोधन को सुनने के लिए स्टेशन पर ही कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सबसे खास बात कि दून लखनऊ के लिए वंदे भारत ट्रेन में पहली यात्रा के लिए यादगार बनाने के लिए रेलवे ने निःशुल्क टिकट मुहैया कराए हैं। हमारे प्रदेश के माननीय राज्यपाल, लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त आदरणीय गुरमीत सिंह जी, राज्यसभा के सांसद आदरणीय नरेश बंसल जी, हमारे निवर्तमान सांसद श्री सुनील उनियाल धामा जी, श्री राजकुमार सिंह जी, डीआरएम रेलवे एवं यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी गणमान्य अतिथिगण उपस्थित बड़ी संख्या में आए हुए भाइयों बहनों, छात्र एवं छात्राओं, मेरे मीडिया के बंधुओं, मैं सबसे पहले तो आज देहरादून से लखनऊ वंदे भारत ट्रेन के शुभारंभ होने पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का और हमारे रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। इसके साथ ही आप सभी का आज इस अवसर पर यहाँ पर उपस्थित होने के लिए आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और ये आज हमारे लिए बहुत सुखद दिन है, बहुत ऐतिहासिक दिन है कि दो प्रदेशों की राजधानी हमारे पूर्व प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों को जोड़ने का काम ये वंदे भारत ट्रेन करेगी और इसका सफर महज 8 घंटे में पूरा हो पाएगा। भाई बहनों, आज रेल सेवा वंदे भारत आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रगतिशील भारत, आत्मनिर्भर भारत का साक्षात ये विजन है, ये उदाहरण है। बीते 10 सालों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अभूतपूर्व स्पीड से व अभूतपूर्व स्केल से कार्य किया जा रहा है।